खबर यूपी के सुल्तानपुर जिले से है, जहां कादीपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। कादीपुर कोतवाल श्याम नारायण पांडे राजस्व महकमे के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए पिछले 15 दिनों से अवैध निर्माण कराने में जुटे हैं। पूरा मामला कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद सरैया गांव का है, जहां पर गाटा संख्या 408 गांव में शकुंतला देवी पत्नी रमा शंकर के नाम जमीन है। विपक्षी राम पलट, रामनाथ, राहुल जबरदस्ती कब्जा करने में लगे हैं, तो पीड़िता शकुंतला देवी के रिश्तेदार अजय कुमार ने कोतवाली व SDM कादीपुर से शिकायत किया। लॉकडाउन में व्यस्तता के बाद भी SDM ने अवैध निर्माण कार्य रुकवाने का आदेश दिया, लेकिन कोतवाल को आदेश से कोई मतलब ही नहीं है। जब विपक्षी 30 मई का CRO के फर्जी आदेश को लेकर कोतवाली पहुंचा, तो तत्काल निर्माण कार्य चालू करा दिया गया। भैया पूरा प्रकरण क्या है बता दो। हम अजय कुमार बोल रहे हैं। हमारी ज़मीन जो है 408 गांव में है, और एक दूसरे लोग की ज़मीन जो दूसरे नंबर में है, वो ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। और हम SDM साहब के आदेश के अनुसार स्थगन आदेश को ले जाके दिखाए, और उसके आधार पर काम रुका, लेकिन फिर एक कहीं कम CRO साहब का आदेश लेके आए हैं। उसी आधार पर कोतवाल कादीपुर महोदय ने काम चालू करवा दिया, वो हमारी ज़मीन कब्जा कर लिए पूरा। उसके बाद जो है अब कह रहे हैं कि हम ऊपरी आदेश उसको जब यहाँ ले आए, जिला में लेके आए CRO साहब के यहाँ, तो पता चला कि इस ऑफिस से कोई इस तरह का आदेश नहीं निकला हुआ है, न इस तरह कोई लिखे पड़ी हुआ है, मतलब फर्जी आदेश। हाँ, फर्जी आदेश साबित हुआ। तब ले जाके यहाँ से आदेश करवाए श्रीमान जी से, और यहाँ कादीपुर कोतवाली ले जाया गया। वहाँ बताया गया कि श्रीमान जी का आदेश आया हुआ है, कहते हैं कोतवाल साहब कहते हैं नहीं कि यहाँ कोई आदेश नहीं आया है किसी का, हैं वहाँ काम हो रहा है और जमीन हमारी कब्जे की जा रही है। CRO फर्जी आदेश को संज्ञान में लेते हुए 6 जून को आदेश देते हैं कि संलिप्त लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अवगत कराएं। आदेश जारी होने के 10 दिन बाद भी फर्जी आदेश दिखाने वालों के खिलाफ ना ही कार्रवाई की गई, ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज की गई। CRO शमशद हुसैन का कहना है कि आदेश दिए सप्ताह भर से ज्यादा हो गया, रिपोर्ट न लिखना कादीपुर कोतवाल की कार्यशैली पर प्रश्न है। सोमवार को जब SP शिवहरि मीणा से पीड़ित अजय कुमार ने अपने अधिवक्ता आदर्श सिंह व अश्विनी सिंह के साथ मिले, तो रिपोर्ट दर्ज कराने का आश्वासन दिया गया। मामला कुछ संज्ञान में आया था, क्या पूरा मामला था, आपके स्तर क्या आदेश दिया गया सर? ये एक मामला था, अजय कुमार पुत्र शिव प्रसाद ने दिए थे एक एप्लीकेशन, उसमें एक आदेश लगाया था जो फर्जी आदेश था, उस पर कार्रवाई के लिए SDM को कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कादीपुर को भेजा था कि इसमें FIR दर्ज करें, तो ये भेजा था 6/6/2020 में, और ये इनको रिसीव भी हो गया है कादीपुर को 11/6 में शायद रिसीव हुआ है। तो प्रकरण क्या था, किस तरह का प्रकरण था, जो फोर्जरी का था, क्या प्रकरण था? उसमें उन्होंने कोई एक आदेश सो कॉल्ड ADM का दिखा के और उसका लाभ लेने की कोशिश करी थी, जिसमें जो इस तरह से ना जारी हुआ था हमारे यहाँ से, और ना ही इस तरह का आदेश जारी होता है, गलत आदेश बना के फर्जीफिकेशन किया गया था, इसकी विरुद्ध कार्रवाई के लिए हमने लिखा था FIR के लिए। जहां एक ओर SP बेस्ट पुल सिंह व हर कदम पर फरियादियों तथा जरूरतमंदों की मदद में तैयार खड़े रहते हैं, वहीं बड़ा सवाल यह भी है कि जिले के राजस्व महकमे के मुखिया के आदेश को न मानने वाले कोतवाल पर SP रहम दिली दिखाते हैं या कोई एक्शन लेते हैं, या फिर रिपोर्ट दर्ज कराकर इतिश्री कर लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुराग द्विवेदी, दस्तक भारत, UP।